फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट। और मैं हूँ सोनिया शर्मा। आज हम बनाएंगे दिन में बची हुई इडली से शाम की चाय के लिए क्रिस्पी एंड टेस्टी स्नैक्स। तो चलिए बनाते हैं फ्राइड इडली। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। फ्राइड इडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्टीम्ड इडलीज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हमने स्टीम्ड इडली पहले से ही बनाकर तैयार कर ली है। और आप देख ही सकते हैं कि दिखने में भी कितनी फ्लफी, स्पॉन्जी और अच्छी दिख रही है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। मैंने इन्हीं रवा इडली की रेसिपी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। जो रवा इडली की रेसिपी मैंने शेयर की है, वो आप कुछ ही मिनटों में चुटकी बजाकर कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टीम्ड इडली को फ्राई करने के लिए मन चाहे आकार में कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इडली को इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो एक इडली के चार हिस्से कर सकते हैं, जिस तरह से हम रेगुलर साइज के पिज्ज़ा के चार हिस्से करते हैं, उसी तरह से आप इडली के टुकड़े भी कर सकते हैं, जिससे कि वो ट्रायंगल का शेप ले लेगी। और बच्चों को ट्रायंगल के शेप वाली इडली काफ़ी ही पसंद आती है। तो आप अपने मन मुताबिक किसी भी शेप में इडली को कट कर सकते हैं। तो अब हम इन इडली के कटे हुए पीसेस को फ्राई करने के लिए कोई भी हेल्दी कुकिंग ऑयल ले लेंगे। तो अब इस ऑयल को किसी भी पैन या कढ़ाही में डालकर मीडियम हीट तक गर्म कर लेंगे। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होता है, तो इसमें हम डाल देंगे इडली के कटे हुए पीसेस। तो बस अब इसको हल्के हाथ से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें आपके मन मुताबिक कलर या क्रिस्पीनेस ना आ जाए। मुझे तो थोड़ी सी ज़्यादा कुरकुरी अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन करूँगी। फ्राई करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पहला, एक साथ कढ़ाही में बहुत सारे पीसेस ना डालें। और दूसरा, फ्राई करते समय इडली के पीसेस आपस में चिपक सकते हैं, तो आप घबराएं ना, उसको हल्के हाथ से चलाते रहें, बाद में वो अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आप इन फ्राइड इडली को अपने बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चों को इस तरह की चीज़ें टिफिन में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यकीन मानिए, आपके बच्चे को टिफिन काफ़ी पसंद आएगा, और जब भी वो स्कूल से घर आएगा तो उसका टिफिन खाली ही आएगा। और इसको आप सिर्फ 5 मिनट में तैयार करके पैक भी कर सकते हैं। तो एक बार टिफिन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, फ्राइड कुरकुरी इडली तैयार है। और एंड में आप इसमें हल्का सा चाट मसाला डालकर इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और हरे पुदीने की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं।
जिसकी रेसिपी का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि फ्राइड इडली कैसे बनी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।